अब कुछ दिनों में 10वीं क्लास का रिज़ल्ट आने वाला है। रिज़ल्ट आते ही आप जो 10वीं क्लास के बच्चे 11वीं में हो जाएंगे, तो 11वीं में हो जाएंगे तो पहली आपके पास चॉइस होगी कि आप क्या सब्जेक्ट लेते हैं, क्या से सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। साइंस वर्ग में जाएंगे, आर्ट वर्ग में जाएंगे या वाणिज्य वर्ग में जाएंगे, ये चॉइस है। शुरुआती दिनों में जैसे कि ऑफलाइन क्लास लगती है, जैसे 10वीं का रिज़ल्ट आता है, क्लास जुलाई में शुरू होती है, तो बच्चे पहले मैथ में बैठते हैं, बायो लेते हैं, एजी लेते हैं, ये सब लेते हैं। धीरे धीरे मैथ का बच्चा है वो मैथ में बैठता है पहले, फिर क्या करता है, सोचता है यार मैथ समझ में नहीं आया, बायो में बैठ जाता है, और बायो का बच्चा कहाँ, एजी में चला जाता है। ये तो ऐसे चला जाता है। जो आर्ट के बच्चे हैं वो आर्ट में ही रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। तो ये है हमारा जो वीडियो है प्लस वन के लिए, यानी पहली कक्षा। ये आपकी 10वीं कक्षा के बाद ये पहली कक्षा होगी जिसमें प्लस वन लगा है। वैसे तो ये पहली कक्षा ही है, हिंदी और इंग्लिश के अलावा आपको किसी भी सब्जेक्ट के बारे में शायद कुछ आता हो नहीं, बहुत ही कम आता है। यहाँ से उस किताब के डिवाइडेशन होंगे, आपकी रुचि की सब्जेक्ट आपके हाथ में होगी। तो ये तो हमारा डिवाइडेशन होता रहेगा इस प्रकार। तो ये वीडियो है प्लस वन इसलिए लगाया कि आपको पहली कक्षा की तरह पढ़ाया जाएगा। इस क्लास में आपने जो सीखा है वो आपके इस काम में आएगा, प्लस हो जाएगा, आपके काम आएगा जो आपने 10वीं तक सीखा है एक से लेकर। अब ये है वीडियो फिजिक्स। ये फिजिक्स क्या है, ये क्लास किसके लिए है, जिनके पास क्या होगी, बायो होगी, बायोलॉजी, PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उनके लिए है, या PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये तीन सब्जेक्ट है। फिजिक्स उन्हीं के लगते हैं। अब बायो में एजी में नहीं लगती फिजिक्स, ये तो 11th क्लास की बात कर रहे हैं, 11वीं क्लास। हम यहाँ पर सीखेंगे कुछ नहीं, एक पहली क्लास की बच्चे की तरह आप हो और आपको बस कुछ नहीं आता फिजिक्स के बारे में। पहला शब्द आएगा फिजिक्स, आया कहाँ से, ये मैथ है। अगर आपने मैथ ली तो क्या होता है कि जो साइंस है हमारी सब्जेक्ट वो कई भागों में होती है। जैसे 10th क्लास में शुरुआती चैप्टर बायोलॉजी की थे, फिर केमिस्ट्री आती है, फिर फिजिक्स यानी भौतिक आती है, फिर एजी आती है कुछ देर के लिए, अदर है, खगोलीय विज्ञान है, ये सब डिवाइडेशन होता है। तो उसी भी में जो मैथ वाले बच्चे हैं उनमें एक तो मैथ की बुक लग जाएगी अलग जो आप पढ़ते आ रहे हैं, और साइंस के दो भाग, एक भौतिक और एक रसायन। रसायन यानी जिसमें केमिकल यूज होते हैं, भौतिक उपकरण है। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा है, प्रकाश के बारे में पढ़ना, धारा, करंट, चुंबक के बारे में पढ़ना, ये इसी के बारे में आता है। तो ये चैप्टर है, लेकिन जो फिजिक्स है वो क्या है, बिना मैथ के नहीं आती। बिना मैथ के फिजिक्स संभव नहीं है, क्योंकि इसमें सब चीज़ आएगी, गुणा करना, भाग करना, सब चीज़ आएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं 0 नंबर से। हमें फिजिक्स के बारे में कुछ नहीं पता, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पता हमें, नहीं तो फिजिक्स पहले ही बार क्या सुना है नाम। तो फिजिक्स का पहला टॉपिक है फिजिक्स की डेफिनेशन। फिजिक्स को परिभाषित करने से पहले हम इसके बारे में जो इसके यूज है, इसका जो इसमें जो मैथमेटिक्स टूल यूज होगी, जो फॉर्मूले यूज होंगे वो पढ़ेंगे मैथमेटिक्स टूल के अंदर, टूल्स के अंदर। तो ये क्या होता है, जो आपने 10th, 9th, 8th, 6th जो भी 7th क्लास में कक्षा में पढ़ा है, तो उनमें उनकी सभी मैथमेटिक की टूल है, इसमें काम आएगी। साथ ही ऐसी भी चीज़ है जो आप 12th, 11th में मैथमेटिक्स है तो आपको वो वहाँ पर समझ में आ जाएगी। बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आपको करवाऊँगा मैथमेटिक्स टूल के अंदर, कि वो आपको पहले कभी नहीं देखी हुई होगी कि ये क्या चीज़ है, तो वो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि कोई समझ में आया नहीं है। जैसे अवकलन है, अवकलन आपको समझाया जाएगा, लेंथ हम भी समझाएंगे, और मैथ का टीचर जब आपको हाई लेवल अवकलन करवाएगा तो हमारे फिजिक्स वाले तो उसमें आ ही जाएंगे बिल्कुल सिंपल। तो ये डर है। फिर ये समाकलन है, समाकलन हम करवाएंगे, लेकिन जब
मास्टर स्मार्कलन 12th क्लास में लगता है, लेकिन हमारे बहुत ही सिंपल स्मार्कलन आते हैं, बहुत ही सिंपल फॉर्मूले बेस्ड स्मार्कलन आते हैं। बस आपको पता होना चाहिए स्मार्कलन है क्या। ये आपको जैसे ही आप 12th क्लास में होंगे स्मार्कलन की समस्या है वो आपकी दूर हो जाए कम्प्लीटली। हो सकता है जैसे ही आप 11वीं क्लास करेंगे अवकलन प्रश्नावली करेंगे और जब आपको सर आप स्मार्कलन के बारे में बताएंगे कि स्मार्कलन अवकलन का उल्टा है, तो काफ़ी हद तक आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। तो पहला ही टॉपिक है जीरो नंबर लेसन, जिसे कहते हैं मैथमेटिक्स टूल, जिसके बिना फिजिक्स क्या है, अधूरी है। तो पहले करते हैं अधूरा काम, फिजिक्स वाला टूल। ये मैथमेटिक टूल्स के मद्दर आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या है? कुछ नहीं है, बस क्या है, सिंधी में कहते हैं बीजगणित। अब बीजगणित है, बीजों का गणित है। जैसे कि हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे a प्लस बी की होल स्केयर, इसका क्या मतलब हुआ, जो a माइनस बी की होल स्केयर का क्या अर्थ आया, a प्लस तीन की होल स्केयर, और ये जैसे समीकरण है ये हम हल करेंगे, इनके फॉर्मूले क्या है, जब हमें क्या है इनका यूज करना है। हम कोई डेरिवेशन करेंगे, कोई हल किसी समस्या का हल करेंगे, किसी चीज़ को ड्राइव करेंगे, तो क्या होता है, व्युत्पत्ति करेंगे, तो हमें कुछ उन फॉर्मूलों की आवश्यकता होती है। कभी तो वो फॉर्मूले सीधे लगते हैं, कभी उल्टे लगते हैं, तो हमें उन फॉर्मूलों के बारे में बड़ा महत्वपूर्ण यूज करना है। अलजेब्रा का यूज बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये फिजिक्स में अलजेब्रा के बारे में पढ़ाएंगे। तो पहला फॉर्मूला है जो हमारे पास आएगा ए प्लस बी की होल स्केयर। ये फॉर्मूला आएगा, हमने 9वीं कक्षा में पढ़ा है, 8वीं में भी आजकल लग रहा है ऐसा फॉर्मूला, ये हमने निचली कक्षाओं में पढ़ा है। तो हमें क्या दे रखा है, ऐसी कोई टर्म दी होगी जिसमें होल स्केयर निकालना होगा, तो हमें इस फॉर्मूले के आधार पर निकालना होगा। इस फॉर्मूले को तो आपको टीचर ने समझाया होगा कि इस फॉर्मूले का क्या सूत्र है, कि ए प्लस बी को दो बार लिख देते हैं a प्लस बी, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक स्केयर आ जाएगी, दो ए बी आ जाएगी और बी स्केयर आ जाएगी। ये इसका एक क्या है, क्रम है। इसमें a को प्राथमिकता दी है तो एक स्केयर a की घटती हुई घातों के रूप में लिखा गया है, तो ये क्या है, ऐसे लिखा जाएगा जो फॉर्मूला होगा घटती हुई घातों में। तो ये तो एक सिंपल हो गया। अब a माइनस बी, ये सिंपल फॉर्मूले जो अलजेब्रा में हमने पढ़े वो ही काम आएंगे और अतिरिक्त नहीं। तो ये अलजेब्रा ए स्क्वायर माइनस बी, इसका क्या करेंगे, ए माइनस बी कर दिया और ए माइनस बी कर दिया, इसको गुणा कर दिया। तो अब ये इनका गुणा किया तो क्या आएगी, ए स्क्वायर माइनस दो ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये ए की घटती हुई घातों के रूप में हमने इसको लिख दिया, ये इसका फॉर्मूला होगा। कहीं फिजिक्स के किसी सूत्र के डे व्युत्पत्ति करते समय ऐसा फॉर्मूला क्या हो सकता है, यूज हो सकता है। ये सिंपल सिंपल फॉर्मूले होंगे जो आपको बस एक बार आंखों में से निकालना ही होगा, आंखों मार कर निकालना होगा, आपको कुछ प्रेशर नहीं लेना कि क्या है ये कितना याद करना, जनरल फॉर्मूले हैं। अब तीन नंबर फॉर्मूला है जो काफ़ी यूज होता है, जो बच्चों को याद भी नहीं रहता, कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, ए की स्केयर माइनस बी की स्केयर। सबसे अच्छा फॉर्मूला ये ए की स्केयर माइनस बी की स्केयर, ये काफ़ी यूज होगा। तो इसका है ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक बार उस संख्या को, दोनों संख्या को जोड़ दें, दूसरे में घटा दें, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के इनको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा, ए की स्केयर फिर ए बी माइनस, फिर बी को करेंगे ए प्लस बी और ये ए बी माइनस, तो ये क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होगा। ये तो हमारा क्या हो गया, जनरली फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे फॉर्मूलों में। अब ये है, इसका इसके साथ संबंध ज्ञात कर सकते हैं, ये सब डेरिवेटिव, इनका योग करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर ए प्लस बी की स्क्वायर, क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए की स्क्वायर प्लस दो ए बी प्लस बी की स्क्वायर। ये है, ये योग किया तो क्या आया, एक स्क्वायर जुड़ गई, दो एक स्क्वायर बी की स्क्वायर जुड़ जाएगी, दो बी की स्क्वायर, ये तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये आ जाएगा
दो ए की स्क्वेयर प्लस बी की स्क्वेयर, अब इसका फॉर्मूला। अब इनको घटाएं, इन दोनों को ए की ए प्लस बी की स्क्वेयर माइनस ए माइनस बी की स्क्वेयर, तो क्या हो जाएगा, ए से ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कट जाएगा, ये ए स्क्वेयर क्या आ जाएगा, चार ए बी के रूप में आ जाएगा, जो आपने व्यापक रूप से पढ़ा। ये एक प्रकार से हमने इन्हीं फॉर्मूले का यूज करके ये सब ज्ञात किया है। जैसी परिस्थिति होगी उस प्रकार का फॉर्मूला बनाकर हम लगा देंगे, बल्कि यही फॉर्मूले हमें यूज करने हैं। ये तो द्विघाती फॉर्मूले होंगे, अब त्रिघाती फॉर्मूले के बारे में देखेंगे। त्रिघाती फॉर्मूला तो अब ये है ए प्लस बी की होल, तो प्लस है तो इसमें सभी चिन्ह क्या आएंगे, प्लस क्या आएंगे, क्या है प्लस के चिन्ह, तो पहले ए की बढ़ती हुई घातों के रूप ए की क्यूब प्लस तीन ए की स्क्वेयर बी प्लस तीन ए बी स्क्वेयर प्लस बी की क्यूब, सभी प्लस के हैं, इनको तीन बार गुणा करना है, तो प्लस की संख्या को प्लस से गुणा करें, प्लस तीनों संख्या क्या है, प्लस की आएगी, तो ये घटती हुई घात। अब ये क्या करते हैं, कभी कभी इस फॉर्मूले को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए की क्यूब बी की क्यूब, ये मैथ में भी काम आएंगे और आपके फिजिक्स में भी। ये लिख दिया, अब आ जाएगा इनमें कॉमन क्या आ जाएगा, तीन ए बी क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, ये फॉर्मूला आ गया, ये आ गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, वही लिखा है, वही रिवाइज करना है। अब हमारा अगला फॉर्मूला है जो वो क्या, a माइनस बी की होल क्यूब। अब माइनस है तो ये क्या है, अगर यहाँ प्लस होती तो क्या होता, एकांतर क्रम में इनके क्या आएंगे, प्लस माइनस, लेकिन ये जो माइनस चिन्ह है पहले क्या आएगा, प्लस फिर माइनस फिर प्लस माइनस, ऐसे चलता रहेगा, जितनी घात है उसे एक ज़्यादा पद आएगा, तीन घात है तो उसे एक ज़्यादा पद आएंगे यानी चार आएंगे। ये भी आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, द्विघात जो आपकी बायनोमिक फॉर्मूला है मैथमेटिक्स में, उसके बारे में आप उनके बारे में व्यापक रूप से पढ़ेंगे, आपको ये द्विघाती फॉर्मूले जो अलजेब्रा है बहुत ही सरल हो जाएगी आपकी। तो ये है ए की क्यूब माइनस तीन ए की स्क्वेयर बी, माइनस आएगा प्लस तीन ए बी की स्क्वेयर माइनस बी की क्यूब, एकांतर क्रम में प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये एकांतर क्रम में चलता रहेगा। अब ये ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब प्लस तीन ए बी ए माइनस बी, ये इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे हो गए फॉर्मूले, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले। अब बात आती है एक अलग चीज की, वो है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। इसमें क्या करते हैं, इस चीज को क्या, इस चीज को ज्ञात करने, तो इससे ज्ञात कर सकते हैं ए प्लस बी होल माइनस तीन ए बी ए प्लस एक, तो ये चीज हो गई, यही चीज हमें लिखनी है, यही चीज है, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब क्या है, इसमें a प्लस बी, इसमें भी a प्लस बी, ये क्या आ जाएगा कॉमन a प्लस बी, ये बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा a प्लस बी की स्क्वेयर माइनस तीन ए बी, ये फॉर्मूला है, हमें इसे याद करना है, याद करना है बस, जिस प्रकार का चाहिए उस प्रकार का हम उसको मना देंगे डेरिवेशन में। तो a प्लस बी, अब इसकी स्क्वेयर खोलनी है तो ए की स्क्वेयर प्लस बी ए की स्क्वेयर प्लस क्या आ जाएगा, दो ए बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस तीन ए बी। अब ये है माइनस का ये प्लस का, दो ए बी प्लस का ये माइनस का, तो क्या आ जाएगा हमारा ए प्लस बी ए की स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी की क्यूब। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सब कट जाएंगे, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बचेंगे। इसी प्रकार इसी में क्या आएगा, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब को ज्ञात करना है हमें, इस प्रकार लिखना, इस प्रकार का फॉर्मूला प्राप्त करने का ही उद्देश्य है। तो इस प्रकार ए माइनस बी की क्या है, माइनस तीन ए बी ए माइनस बी, ये आ गया। अब क्या लेना है हमें, a माइनस बी को कॉमन ले लिया और क्या आ गया, a माइनस बी स्केयर तीन ए बी,
क्या आ जाएगा? सॉरी तीन ए बी, ए माइनस बी, तीन ए बी, यहाँ पर क्या आएगा हमारा? माइनस का चिन्ह आएगा। सॉरी आपको बताना भूल गया, क्योंकि माइनस का भी कॉमन लेंगे तभी ए माइनस बी आएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये माइनस है तो इधर जाकर एक पदसाधन करेंगे तो ये प्लस होगा, तो ये चिन्ह क्या होगा? प्लस का। तो ए माइनस बी, इसकी ए की स्केयर माइनस दो ए, बी प्लस बी की स्केयर प्लस तीन ए, दो माइनस दो ए बी प्लस प्लस तीन ए बी, तो ये जुड़ जाएंगे तो क्या आ जाएगा? ए माइनस बी, ए की स्केयर प्लस ए बी, बी स्केयर। अब देखो इस फॉर्मूले में क्या है, याद रखना जरूरी, प्लस का चिन्ह है तो क्या आएगा? पहले ए बी को क्या कर दें, जोड़ देंगे। फिर क्या लिखना है, अब की बार माइनस का आएगा, ए की स्केयर माइनस ए बी प्लस बी की स्केयर। बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ प्लस आएगा लगा देते, यहाँ माइनस लगा देते हैं, यहाँ प्लस लगा देते, तो ये विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर दोनों चिन्ह, दो चिन्ह हैं जिनमें डिफरेंस है, तो यहाँ जो माइनस है वो इस उनके अनुसार आएगा, यहाँ इसका विपरीत चिन्ह प्लस का आएगा। तो ये तो हमारे होंगे फॉर्मूले कुछ। अब अगला फॉर्मूला भी जो हमने पढ़ा है पहले, वो पढ़ चुके हैं, वही फॉर्मूले हैं, और एक व्यापक फॉर्मूला और है जो तीन पदों के लिए है। क्या है? तीन पदों के लिए, ए प्लस बी प्लस सी, तीन संख्या है उनके लिए है फॉर्मूला। उनके लिए क्या है ये फॉर्मूला? कैसा फॉर्मूला है? ऐसा ही अलजेब्रिक ए बी सी कि क्या है, स्केयर। स्केयर करना है, कुछ नहीं करना, स्केयर करना है तो इसका मतलब दो बार गुणा करना है, तो क्या आएगी? ए बी भी दो, ए बी भी आएगी और एक बी ए आएगा। क्या आएगा? इसको गुणा करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जब इसको व्यापक आराम से पूरा करके देखते हैं तो फॉर्मूला याद हो जाता है। तो इनको क्या होता है, ए का ए से ए की स्केयर आएगा, बी का बी से करेंगे बी की स्केयर भी आएगा, सी का सी से भी होगा सी स्केयर भी आएगा। ये आ गया। अब ए का बी से होगा क्या होगा, ए बी आएगा, और बी का ए से होगा तो बी ए भी आएगा। इसी प्रकार एक बी का सी से होगा बी सी भी आएगा, और सी का इस बी से होगा तो सी बी भी आएगा, दोनों सेम है। अब क्या है, अब सी का ए का किस, सी का किसे होगा, ए का के साथ, सी का ए के साथ, और ए का किसके साथ होगा, सी के साथ, ये हो गया। तो इसको फॉर्मूले को लिखेंगे तो किस प्रकार, ए की स्केयर प्लस बी की स्केयर प्लस सी की स्केयर। यहाँ क्या है, ये क्रमविन में होंगे, इन ए बी बराबर बी ए होंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, बी ए को ए बी लिख सकते हैं, ये दोनों समान है तो इसे क्या कर सकते हैं, दो ए बी। इसी प्रकार ये दोनों समान है तो इसे लिख सकते हैं दो बी सी, अगले दोनों समान है तो लिख सकते हैं बी सी ए। तो ये क्रम होता है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए, ये क्रम है। इस प्रकार लिखा जाता है फॉर्मूला, यहाँ ए की स्केयर बी की स्केयर सी की स्केयर, ये ए प्लस बी प्लस क्यूब, ये तो हमारा हो गया अलजेब्रा। अलजेब्रा है, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अलजेब्रा में। ये तो अलजेब्रा के बाद अगला जो टॉपिक है वो है हमारी द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जो हमने 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ा है, द्विघात समीकरण को किस प्रकार हल करते हैं, सभी विधियाँ पढ़ी हैं, उनमें से किसी भी विधि से हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, लेकिन सिद्धांताचार्य विधि से हम क्या करेंगे, ज़्यादातर समीकरणों का हल करेंगे। तो क्या आती है हमारी द्विघात समीकरण। अगला टॉपिक है वो है द्विघात समीकरण, हमें करना कुछ नहीं। अब द्विघात समीकरण होते क्या है, ऐसे समीकरण जिसमें चर की क्या हो, दो घात, एक चर की घात, उच्चतम घात क्या, दो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जीरो होगा तो ही तभी ये समीकरण होगी, अन्यथा समीकरण नहीं होगी। क्या होगा, समीकरण नहीं होगी, ये जीरो होने के कारण ही ये समीकरण। तो ये जो ए बी सी जी, ये क्या है, गुणांक है, ये तो पढ़ा है। अब इसके बारे में सिद्धांताचार्य विधि लगाते हैं तो क्या आता है, बिग स्केयर माइनस चार ए सी पर डिपेंड करती है। अब इनके जो वास्तविक है, हल है, काल्पनिक है,
या बराबर हल है। अब ए बिग स्केयर माइनस चार ए सी, अब क्या है बिग स्केयर माइनस चार ए सी जिसे क्या कहते हैं डी। अब डी का मान क्या हो, जीरो से बड़ा हो तो क्या आएंगे दो, क्या आएंगे अलग अलग मूल, अलग अलग क्या आएंगे रूट्स, जिसे कहते हैं मूल्स। इंग्लिश के वर्ड भी आपको याद होने चाहिए, अलग अलग मूल्स होंगे दो, ये बता दिया। और वास्तविक होंगे, क्या होंगे वास्तविक, रियल यानी वास्तविक होंगे, काल्पनिक नहीं होंगे। जिसके बारे में टेंथ में इलेवेंथ क्लास में आप काल्पनिक और वास्तविक में अंतर करेंगे, किस प्रकार करेंगे ये। तो रूट आ गए। अब डी का मान क्या आएगा जब जीरो के बराबर हो, तो क्या आएगा दो, क्या होंगे समान, समान क्या होंगे रूट होंगे, और कैसे होंगे रियल वास्तविक होंगे, यानी काल्पनिक नहीं है, ऐसे संभव है वास्तविक। अब डी का मान क्या आएगा जीरो से छोटा होगा तो मूल प्राप्त होंगे, क्या होंगे वो, क्या होंगे अलग अलग होंगे दो, अलग अलग मूल होंगे दो, क्या होंगे दो अलग अलग मूल होंगे, लेकिन क्या होंगे दोनों ही, दोनों क्या होंगे काल्पनिक। जिसके बारे में हम एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम लगाए हैं हमारे अब की साल, तो ये जो आपका पाँच नंबर चैप्टर एनसीईआरटी में कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बारे में आप काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़ेंगे तो दो काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे, और ये क्या होंगे सुगमी होंगे, सुगमी का अंतर भी आप समझेंगे, सुगमी होंगे मूल, अर्थात है मतलब एक मूल a माइनस बी आइटा है, दूसरा मूल a माइनस बी आइटा है, ये माइनस का अंतर होगा, सुगमी मूल का अंतर यही है। तो ये हमने देख लिया द्विघात समीकरण कब वास्तविक मूल देगी, काल्पनिक देगी, आभासी देगी। अब मान लीजिए हमें मूल चाहिए ये, अगर काल्पनिक हल आ रहा है तो d का मान क्या कर सकते हैं जीरो से छोटा होगा तो वो क्या होगा गलत हो जाएगा, वास्तविक मूल चाहिए तो ये कंडीशन भी हमें यूज होगी। हमें क्या है x का मान ज्ञात करना है, इसका मूल x का क्या मूल, मूल ऑफ x, x का मान ज्ञात करेंगे तो सिद्धाचार्य विधि से किस प्रकार करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस चार रूट बी स्क्वायर माइनस चार ए सी बराबर क्या आ जाएगा भाग में दो ए, भाग में दो ए आ जाएगा। इस विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सिद्धाचार्य विधि द्वारा हम क्या कर सकते हैं फॉर्मूला, इससे एम एक्स के मान ज्ञात कर सकते हैं। एक उदाहरण देते हैं आपको, एक्स की स्केयर एक्स प्लस एक्स स्केयर छ माइ, आपको फॉर्मूला छ एक्स स्केयर माइनस तेरह एक्स प्लस छ बराबर जीरो, ये हमारे पास क्या हो गया फॉर्मूला। अब हमें क्या पता है, हमें देख ज्ञात करना है, हमने समीकरण हल कर दी ऐसी प्राप्त हो गई, में हमने जिस निकाय की उसके लिए ये समीकरण दे रखे, तो हमें x का मान ज्ञात करना होगा, इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा सिद्धाचार्य विधि, माइनस बी प्लस माइनस बिग स्केयर माइनस आर ए सी बराबर दो, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बेसिक रूप से। जैसे ही हम इसका यूज करेंगे आपको बिल्कुल सिंपल हो जाएगा किस प्रकार इसका यूज है। अब बी का मान क्या है, माइनस तेरह है तो प्लस तेरह हो जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा, और बिग स्केयर यानी माइनस तेरह के स्केयर प्लस की एक सौ उनहत्तर आएगी, और जो चार इंटू ए का मान छ इंटू छ दो इंटू छ, अब क्या आ जाएगा प्लस का तेरह प्लस माइनस तेरह का स्केयर माइनस एक सौ उनहत्तर माइनस एक सौ चौवालीस बटा बारह, ये आ गया। अब आगे क्या होगा, तेरह प्लस माइनस क्या आ जाएगा पच्चीस भाग बारह, तेरह प्लस माइनस पाँच बारह, अब ये प्लस पहले प्लस का करना है हमें अठारह प्लस बारह, फिर माइनस का करना है क्या जाएगा आठ भाग में बारह, इसका क्या जाएगा तीन भाग में दो, इसका आ जाएगा दो भाग में तीन, ये इसके मूल प्राप्त होंगे। अब हमें कंडीशन दे रह गई कि x का मान एक हो से बड़ा होगा तो हमारा ये मूल तो संभव नहीं, ये होगा तो हमें जो मूल ज्ञात कर रखी है परिस्थिति ज्ञात कर रखी है वैसे ही। तो अब हमने अलजेब्रा के बारे में पढ़ा,
अब एक अलग फॉर्मूला है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।